आज हम बनाएंगे आलू प्याज के कुरकुरे टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो मैं हूँ वर्षा, मेरी वर्षा किचन में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कप बेसन डाल लेते हैं और अब इसका घोल बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमारा जो बैटर है लम्स फ्री बन के तैयार होगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे बैटर हमारा पतला ना हो, अच्छे से मिक्स करते हुए थिक बैटर बना के तैयार कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस तरह का देखिए थिक बैटर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो विस्कर को साइड में रखेंगे। अब एक प्याज और एक आलू इस तरह से काट के धो के लिए, तो प्याज आलू को इसमें डाल लेते हैं। इसी के साथ 1/2 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ डालेंगे और 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को थोड़ा छोटा छोटा चॉप करके इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने तीखा चाहिए 1 हरी मिर्च और डाल दिए काट कर। इसी के साथ इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे 4 से 5 चम्मच करीब, 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चुटकी हल्दी कलर के लिए। इसी के साथ 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 2 चुटकी बेकिंग सोडा जिससे नाश्ता हमारा फूला फूला बनेगा, और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी का यूज़ हमें नहीं करना है, जो बैटर बनाया बिल्कुल परफेक्ट है। सभी चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका थिक बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बैटर हमारा इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और चम्मच से एक पकौड़ा मैं आपको छोड़ के दिखा देती हूँ और बाकी के जो पकौड़े मैं हाथ से बनाऊँगी। तो हाथ से पकौड़े ज़्यादा सही बनते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे और आलू प्याज को साथ में लेते हुए पकौड़ों को कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। तो जितने पकौड़े आ जाएंगे उतने हम कढ़ाई में डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को 2 से 3 मिनट सिकने देंगे। 2 से 3 मिनट सिकते ही पकौड़े एक साइड से हमारे हल्के से सिक गए। अब किसी झावे या कलछी की मदद से पकौड़ों को हम पलट देते हैं, जिससे दोनों तरफ से पकौड़े हमारे सिक जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक पकौड़ों को मैंने सेक कर तैयार कर लिया है। अब एक छलनी की मदद से पकौड़ों को कढ़ाई से निकाल लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस ही चला जाएगा। तो थोड़ी देर इसको कढ़ाई पर रोक के रखेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।